The organizers of India Rivers Week 2014 have great pleasure in awarding the Bhagirath Prayas Samman to Sri Akhil Gogoi in appreciation of his dedicated, valiant, untiring efforts to safeguard the integrity of the river Subansari in Assam. Akhil Gogoi, who is also a well-known RTI activist, has successfully utilized the Right to Information Act in conjunction with mass mobilization of communities with respect of ill-conceived projects that could threaten their life, property, and the livelihoods. He has been instrumental through his exemplary leadership of the Krishak Mukti Sangram Samiti in creating greater understanding and recognition of the downstream impacts of projects on rivers. It is an honor to recognize and celebrate Akhil Gogoi's extraordinary and truly Bhagirathan efforts in ensuring the integrity of the river Subansari. Due to the efforts of KMSS led by Akhil Gogoi in association with a number of other organizations, the government had to make large number of changes in the construction and operation of lower Subansari projects. And work on the projects has remained stalled for close to 3 years now. The governments at the center and Assam and political parties have promised that the work will be restarted following a due consultative process and the consent of concerned organizations. There has been impact of this also on the other projects and the rivers in the region. It ends here. I would now like to run a video on the work which Akhil Gogoi ji and the organization has been doing. I would request Sri Akhil Gogoi ji to please come on to the dais to receive the award. Yeah.
Akhil ji, I would request you to address us for 5 minutes and just in a brief, if you can explain the struggle you had and about today's event. Namaste and good evening. आप लोगों ने जो अवार्ड आज मुझे दिया है, ये अवार्ड एक्चुअली मेरा नहीं है, ये अवार्ड है असम का और नॉर्थ ईस्ट का स्ट्रगलिंग पीपल का। 16 दिसंबर 2011 से हम लोगों ने आसामीज पीपल और नॉर्थ ईस्टर्न पीपल ने लोअर सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 2000 मेगावाट का 116 मीटर का जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया। अभी तक बंद है और ये बंद हम लोग स्ट्रीट फाइट करके किया था। थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स पीपल रास्ता में जाके जितना कंस्ट्रक्शन मटेरियल था, इसका पूरा ट्रांसपोर्टेशन हम लोगों ने बंद करा दिया था। और ऐसे हम लोग लोअर सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को अभी तक बंद करा दिया। इसका पहले बहुत रिसर्च हुआ था, बहुत रिपोर्ट निकाला था और सारा रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि इस प्रोजेक्ट से असम और नॉर्थ ईस्टर्न पीपल का बहुत खतरा होगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अरुणाचल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ असम ने इसका कोई मान्यता नहीं दिया था। इसीलिए कृषक मुक्ति संग्राम समिति और सारा कुछ ऑर्गेनाइजेशन और जिसको डाउनस्ट्रीम पीपल बोलते हैं, असम का जो पीपल है, उस लोग आके पूरा फिजिकली हम लोगों ने ये डैम बंद करा दिया। आप लोग जानते हो कि अरुणाचल में 168 बिग डैम ब्रह्मपुत्र और इसका ट्रिब्यूटरी में बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। कम से कम 1 लाख मेगावाट पावर जनरेट करने के लिए और नॉर्थ ईस्ट को इंडिया का पावर हाउस बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। ये पहला डैम था और ये डैम हम लोग बंद करा दिया, इसीलिए अभी तक दूसरा और कोई डैम अभी तक बना नहीं पाया है। तो हम लोग कैसे ये बंद करा? हम लोग ये पूरा एनवायरनमेंट इशू को एक पॉलिटिकल इशू बना दिया। कैसे? आप लोग जानते हो कि रिवर हम लोग का है, जनता का है, लेकिन डैम बनाने से रिवर हम लोग का हाथ से कॉरपोरेट का हाथ, कंपनी का हाथ में चला जाएगा। जनता का हाथ से बिग कैपिटल का हाथ में चला जाएगा। और आप लोग जानते हो कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत दिन से हम लोग लड़ाई कर रहा हूँ कि हम लोग का जो रिसोर्स है, क्रूड ऑयल, कोल, जितना रिसोर्सेस है, लाइमस्टोन, ये रिसोर्स का हक हम लोग का होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान्यता नहीं दिया था। इस बार जब हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए कोशिश किया, हम लोग का पानी लेने के लिए कोशिश किया, हम लोगों ने हम लोग का जनता का पूरा सेंटीमेंट, हम लोग का जनता का जो हक का जो डिमांड है, तो इसको हम लोग लगा दिया। और अभी असम का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम मान के अभी सारा असम का जनता अभी रास्ता में आ गया है कि हम लोग ये डैम बनाने के लिए परमिशन नहीं देंगे। दूसरा है कि हम लोग सब लोग जानता हूँ कि वाटर स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन अभी स्टेट सब्जेक्ट
सेवेंथ शेड्यूल का स्टेट सब्जेक्ट 16 नंबर का जो स्टेट सब्जेक्ट अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिया है, नेशनल वाटर पॉलिसी बना लिया और रामस्वामी अय्यर जी ने बहुत अच्छा किताब एडिट भी किया लिखा है। तो वाटर का जो स्टेट सब्जेक्ट का जो हक है ये नेशनल वाटर पॉलिसी नेशनल हाइड्रो पावर पॉलिसी बना के हम लोग का हाथ से लेने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग का स्टेट का हाथ में दिया था इसको हटा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिया था। अभी तो बीजेपी जमाना में तो इससे भी बड़ा खतरा हो गया। अभी आप लोग जानते हो कि नरेंद्र मोदी जी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरेंद्र मिश्र है नृपेंद्र मिश्र जी ने वो जो एशिया का सबसे बड़ा डैम है 288 मीटर का दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट दो एक बार फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी ने रिजेक्ट किया था और दो बार एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी ने रिजेक्ट किया था, इसको बनाने के लिए ऑर्डर दिया था एमओएफ को, अभी इसका ग्रीन सिग्नल दे दिया। तो इसे हम लोग का स्टेट सब्जेक्ट का ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा हक लगा लिया है और हम लोग असम ने ये डिमांड रख दिया है कि हम लोग का हाथ से ये पानी जाने से हम लोग कैसे जिएंगे। 39 लाख ऑफ पीपुल असम का इस पानी का ऊपर निर्भर करके लाइवलीहुड चलता है, इसका मछली इसका सैंड इसका स्टोन और इसका जो लकड़ी फायरवुड इससे हम लोग का लाइवलीहुड चलता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पावर हाउस बनाने के लिए हम लोग का लाइवलीहुड हम लोग का जीवन खत्म करने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए हम लोग ये एनवायरनमेंट इशू को अभी पॉलिटिकल इशू बना दिया और नेशनल असम का नॉर्थ ईस्ट का नेशनल इशू बना दिया। इसीलिए हजार हजार आदमी लाखों लाख आदमी इस मूवमेंट में शामिल हो गया है, हम लोग फोर्स करके ये डैम बंद कर दिया है। आप लोग जानते हो कि हम लोग जो रिवर इको सिस्टम को बचाने के लिए अभी इसको पॉलिटिकल मूवमेंट बना दिया और अभी हम लोग का ये दम है असमीज पीपल का अभी इतना दम है कि हम लोग अभी बोल सकता हूँ कि हम लोग का परमिशन नहीं लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये डैम नहीं बना सकेगा। और सारा ऑर्गेनाइजेशन असम का जितना ऑर्गेनाइजेशन है उस लोग का भी ये एक हिस्सा बन गया है। तीसरा चीज है कि अभी चाइना ने हम लोग का ब्रह्मपुत्र का ऊपर डैम बना रहा है, जांगमो बोल के एक डैम कुछ दिन पहले बना लिया और लास्ट परसों अनाउंस कर दिया कि हाँ हम लोग डैम बना लिया। और हम लोग ये भी बोलना है कि आप लोग भी हम लोग अभी तो मुझे अवार्ड दे दिया है आप लोग इसीलिए कमिटेड हो गया हम लोग के साथ, आप लोग भी अभी फाइट करना पड़ेगा कि चाइना ने हम लोग का जो ब्रह्मपुत्र नद इस नदी में डैम बना रहा है और हम लोग का ब्रह्मपुत्र को ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोल दिया है कि जल्दी से जल्दी चाइना का डैम बंद करो, नहीं तो हम लोग जल्दी से जल्दी दिल्ली में चाइना का जो एम्बेसी है इसको हम लोग घिराव करेंगे। और मैं मिनटी करता हूँ वो पांच ऑर्गेनाइजेशन और डिस्टिंग्विश गेस्ट को भी मैं मिनटी करता हूँ कि जल्दी से जल्दी हम लोग घिराव करेंगे, आप लोग हम लोग को सहायता करना पड़ेगा क्योंकि अवार्ड दे दिया है, आप लोग कमिटेड हो गया है आप लोग हम लोग का साथ रहना पड़ेगा। फोर्थ है कि भूटान में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा देके मोदी जी ने अभी 500 मेगावाट का एक डैम का ये कर दिया, आधारशिला स्थापन कर दिया और 32,000 मेगावाट पावर बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। देख लीजिए असम को चाहिए 1250 मेगावाट पावर डेली और उस लोग बना रहा है अरुणाचल में 1,00,000 मेगावाट और भूटान ने 32,000 मेगावाट। 1,32,000 मेगावाट हम लोग का असम का ऊपर से आगरा तक आएगा दिल्ली तक आएगा और इसका ऊपर हम लोग का कोई हक नहीं होगा। इसीलिए ये एनवायरनमेंट इश्यू को हम लोग पॉलिटिकल इशू बना दिया और हम लोग लड़ रहा हूँ लड़ेंगे और अभी आप लोग का अवार्ड भी मिल गया है इसीलिए हम लोग का ज़्यादा ये भी हो गया है।
लेजिटिमाइज भी हो गया हो, नहीं तो हम लोग को तो माओवादी बोल देता है उस लोगों ने। अभी तो माओवादी बोल रहे थे, मैंने बोल दूंगा कि रामोस्वामी आईआरजी भी हम लोग का चाट है। मदन लोकुर साहब भी हम लोग का चाट है। और WWF तो फंस जाएगा ही। तो आप लोग वो जो भगीरथ अवार्ड दे दिया, इसके लिए हम लोग धन्यवाद देता हूँ। ये मेरे लिए नहीं, कृषक मुक्ति संग्राम समिति के लिए, और ये अवार्ड आसामीज पीपुल और नॉर्थ ईस्टर्न पीपुल और सारा जनता के लिए, इसीलिए धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।